हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। हम जो डेली करंट अफेयर करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो आज 27 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि हाल ही में भारत के साथ किस देश की नौसेना ने बरोड 2021 जो है युद्ध अभ्यास किया है। तो ये फ्रांस की सेना है, इसने भारत की जो नौसेना है इसके साथ बरोड का युद्ध अभ्यास जो है किया है। मैं बता दूं आपको, जो भारत का अरेबियन सी है, अरब सागर में इस युद्ध अभ्यास को किया गया है, अरब सागर में। भारत की ओर में इसमें, भारत की ओर से इसमें जो है INS कोलकाता ने भाग लिया है, और जो जो हमारी INS जो पनडुब्बी है, हमारी कलभरी जो पनडुब्बी है, उसने भी इसमें भाग लिया है। तो जो प्रोजेक्ट 75 था उसके तहत जो भारत में स्वदेशी पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं, उसी के तहत INS जो पनडुब्बी कलभरी है इसको भी बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ ही ये एक बरोड़ जो एक्सरसाइज हो गई वो तो हमारी हो जाती है नौसेना की, इसी के साथ एक एक्सरसाइज होती है गरुड़, ये भी भारत फ्रांस के साथ ही करता है। तो ये जो है गरुड़ जो युद्ध अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, वो भारत और फ्रांस के मध्य वायुसेना का युद्ध अभ्यास होता है। ये देखिए, ये भारत की ओर से इसने ये युद्ध अभ्यास है जो अरब सागर में चल रहा है। अगला मैं बात करता हूँ कुछ जो प्रमुख युद्ध अभ्यासों के बारे में मैं बात कर लूँ। तो पहला जो वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार किसके उसके बीच होता है, ये भारत और USA के मध्य जो है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है। वज्र प्रहार के अलावा जो है टाइगर ट्रम्फ भी होता है, और इसी के साथ साथ युद्ध अभ्यास जो है वो भी USA के साथ ही भारत करता है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य का युद्ध अभ्यास है, भारत और नेपाल इसको करते हैं। इसी के साथ साथ मालाबार की अगर मैं बात करूं तो ये जो है चार देश इसको मिलकर करते हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया, और इसमें जो हाल ही में शामिल देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको बता दूं ये जो चारों के चारों देश हैं वो क्वाड जो समूह बनाया है उन्होंने, क्वाड जो ग्रुप है जो चाइना को घेरने के लिए बनाया गया है, एक तरीके से चाइना जो COVID-19 इसने फैलाया है उसको घेरने के लिए क्वाड समूह का जो सदस्य बनाया गया, तो ये चारों देश इसके सदस्य हैं और क्वाड समूह के सदस्य ही हैं जो मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं। इसके अलावा कुछ और जो युद्ध अभ्यास हैं, शक्ति जो है भारत और फ्रांस के मध्य का युद्ध अभ्यास है। फ्रांस से ही आपको पता होगा, भारत ने राफेल जो है राफेल विमान भारत ने फ्रांस से ही खरीदा है। गरुड़ युद्ध अभ्यास मैंने बताया भारत और फ्रांस के मध्य है, ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और जो समुद्र शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। इसके बाद आगे बात करता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। ये जो रुमाना सिन्हा सहगल है, बी ऑप्शन ये इसका सही आंसर है, इनको दिया गया है। ये हैदराबाद की रहने वाली हैं, हैदराबाद के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो हैदराबाद जो है हमारा मूसी नदी के किनारे स्थित है, और हैदराबाद क्या तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना भारत का कब राज्य बना था, तेलंगाना भारत का 2014 में भारत का 29वां राज्य बना। भारत में पहले 29वां, अभी भारत की बात करूं तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन तेलंगाना जब बना था तो 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को। अभी जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लेकिन इसके पहले जो कुछ ऑप्शन है इनके बारे में बता दूं आपको, ये जो रणजीत सिंह डिसाले हैं इनको वर्ल्ड टीचर का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि इन्होंने NCERT जो पुस्तकें होती हैं उस पर पीछे जो QR कोड का कॉन्सेप्ट ही लेकर के आए थे, कि अगर आप QR कोड स्कैन करने का ये कॉन्सेप्ट लाए थे, तो इनको वर्ल्ड टीचर का अवार्ड रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया। इसके अलावा जो सी ऑप्शन है सस्मिता लहंका, इनको जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट का जो इन्फोर्समेंट अवार्ड था वो इनको दिया गया, कि पेंगोलिन का संरक्षण इन्होंने किया था, ये उड़ीसा की एक वन अधिकारी हैं। मनिका बत्रा के बारे में आप जानते होंगे, ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको 2020 का राजीव गांधी अवार्ड भी इनको दिया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये हैं देखिए हमारी रुमाना सिन्हा सहगल, हैदराबाद की हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। हैदराबाद के बारे में एक बात और बता दूं आपको, हैदराबाद जो था जब भारत आज़ाद हुआ था तब हैदराबाद के निज़ाम ये चाहते थे कि हम जो है अपना अलग देश बनाना चाहते, तो हैदराबाद बीच का देश था, तो इसको जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया 1948 में, जिसमें यहाँ पर सेना भेज दी गई थी, तो इसके द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। इसके बाद बात करते हैं हम नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला जो है
साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। इन्होंने जो है रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी, ये रंग भेद के जो है विरोधी थे और पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। और नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा नेल्सन मंडेला का जो है भारत रत्न भी दिया जा चुका है। भारत रत्न 1990 में नेल्सन मंडेला को दिया जा चुका है। इसी के साथ साथ इसी 1990 में भी अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा जो नेल्सन मंडेला है इनकी एक बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये मैं बता देता हूँ आपको, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये इनकी एक पुस्तक है, ये नेल्सन मंडेला की है। अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, जो हाल ही में खबरों में रहने वाली गरीब जो कल्याण अन्न योजना है इसको कब शुरू किया गया था। इसको जो शुरू किया गया था वो मार्च 2020 में शुरू किया गया था। इसमें यह था जब भारत में जनता कर्फ्यू लगा था, 22 मार्च 2020 को जब भारत में जनता कर्फ्यू लग गया था, उसके बाद तुरंत जो है 25 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आती हैं तब इन्होंने घोषणा की कि भारत में जो है मुफ्त में जो है कुछ अन्न का वितरण किया जाएगा। इसमें जो है 5 किलो तो गेहूं ले लीजिए आप, या फिर चावल 5 किलो गेहूं या चावल, इसके साथ साथ प्लस 1 kg जो है चना की दाल, ये दी गई थी इसमें। तो ये जो था 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया गया था। तो ये जो स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट की गई थी तो 3 महीने के लिए स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसीलिए अभी खबरों में है। तो ये जो है जून 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये इस योजना का जो है लाभ मिलेगा। तो 80 करोड़ लोग जो हैं भारत के इसका लाभ उठा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करूँ, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो भारत में 2013 में आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके अन्य जो योजना है इसके तहत जो है अन्न बांटा गया था। आगे बात करता हूँ कुछ प्रमुख योजनाओं की, अगर बारे में बताऊँ तो जनधन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो ये 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है। इसके अलावा पीएम किसान योजना जो बजट जारी हुआ था 2019 में, उसमें जो है फरवरी में ये स्टार्ट की गई थी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या होता है, 6,000 रुपये की किस्त होती है, तो 6,000 में 2,000 रुपये की 3 किस्तें किसान खातों में आती हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत की बात करूं तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था, ये जो स्टार्ट की गई थी वो रांची झारखंड से स्टार्ट की गई थी। इसमें होता ये है कि 5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार जो है स्वास्थ्य बीमा उसका कराया जाएगा। ये थी ये हमारी आयुष्मान भारत योजना। इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का निर्माण किया है। तो अब देखिए, भारत में जो है कोविड-19 की वजह से काफ़ी ऑक्सीजन की कमी आ रही है, लेकिन नासा ने जो है मंगल पे ही ऑक्सीजन का निर्माण कर लिया है। वो किया किससे है, CO2 से जो है इन्होंने ऑक्सीजन का निर्माण किया है। नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। रोसकॉसमोस की बात करूं, ये जो है रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। जाक्सा जापान की है, इसरो तो भारत की है ही। नासा की बात करूं, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसरो की फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को भारत में जो है इसरो की स्थापना हुई थी। तो भारत में जो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक थे वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी थे, और इसरो के पहले अध्यक्ष भी डॉक्टर विक्रम साराभाई जी ही बने। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा जो अन्य रॉकेट जो प्रक्षेपण किए जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में वो स्थित है। इसके अलावा मैं बता दूँ, इसका जो उपकरण है MOIXC, इस उपकरण से जो है CO2 जो है बनाई गई है, CO2 से जो है ऑक्सीजन बनाई गई है। मंगल ग्रह की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 95% जो है CO2 उपस्थित होती है, तो उससे जो है ऑक्सीजन बनाई गई है। इससे जो है इन्होंने यहाँ पर सिर्फ 5 ग्राम ऑक्सीजन बनाई है। ये देखिए, ये इसका उपकरण है, ये इसका मैंने नाम बताया MOIXC, ये जो है एक उपकरण है, इसके द्वारा ऑक्सीजन मंगल ग्रह पर बनाई गई है। इससे अंतरिक्ष यात्री जैसे वहाँ जाते हैं स्पेस में, तो उनके लिए रहने के लिए क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उस दिशा में जो है ये बहुत ही सफलता पूर्वक कदम माना जाएगा। तो इसी ये जो बनाई गई है, ये जो परसिवरेंस रोवर गया था मंगल पर, उसी
उसी में ये जो मशीन है वो MOEX ही गई थी। तो ये जो परसिवरेंस रोवर था नासा का अंतरिक्ष मिशन, और ये रोवर जो है मंगल ग्रह पर उतारा गया था। इसी के साथ एक इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर गया था, इसने अभी जो है मंगल पर तीसरी उड़ान भी भरी है। तो इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर जो कि मंगल पर जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर है जिसने मंगल ग्रह पर उड़ान जो है भरी है। इसके अलावा मैं बात करूं जो मंगल पर मिशन है, तो भारत का जो मंगलयान मिशन था वो 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में पहुंचा था। विश्व में जो है भारत जो था पहले प्रयास में जो है मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था, और इसका जो प्रक्षेपण यान था वो PSLV C-25 के द्वारा मंगलयान को भेजा गया था। मंगलयान जो है वो भारत में 2000 रुपये के नोट पर भी मंगलयान का ही चित्र है। इसके अलावा बात करूँ जो हाल ही में मिशन होप मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, जो कि अरब देश का पहला मंगल मिशन है जो कि सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंच चुका है। ये होप मिशन जो है संयुक्त अरब अमीरात का है, जहाँ पे IPL का 13 सीजन भी हुआ था। ये मंगलयान है भारत का, ये मंगलयान है। अगला मैं बात करता हूँ, हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रन परियोजना, जो BRI वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चाइना का था, इसके समझौते को किसने रद्द कर दिया। तो हुआ ये है कि चाइना जो है पूरे विश्व में जो है, ये देखिए चाइना यहाँ पे, चाइना चाहता है कि मेरी जो है यूरोप में भी सामान पहुँचता रहे, यहाँ देखिए इटली तक ये सामान पहुँचाना चाहता है। इसने ये वाला जो रूट है वो रोड का रूट है, यहाँ इससे जो रूट है ये पानी से वाटर वाला रूट है, यहाँ से ये जो है पूरे विश्व में पहुँचना चाहता है कि ये जो है विश्व में अगर अपना सामान हर जगह भेज सके, क्योंकि चाइना का आपको पता ही है सस्ता माल जो है हर जगह टिका देता है। तो इसका ये जो है विश्व में मोनोपोली जो है वो क्रिएट करना चाहता है। इसके तहत जो है ऑस्ट्रेलिया ने इस करार को जो है रद्द कर दिया है। वन बेल्ट, इसी को जो है सिल्क रोड भी कहा जाता है, वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है इसी को सिल्क रोड भी कहा जाता है। भारत ने इसका विरोध किया है क्योंकि CPEC जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी के तहत जो है पाकिस्तान में जो कि भारत का POK रीजन है इसके द्वारा जो है वो निकाला गया है। तो चाइना इससे मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ करार जो है वो रद्द कर दिया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। ये ऊपर से जो है, ये ऊपर जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है रोड के तहत ये यूरोप में पहुँचना चाहता है। दूसरा ये जो है विश्व में पहुँचने के लिए इसका ये है कि देखो पानी के तहत जो है ये पहुँचना चाहता है वाटर वे के हिसाब से। तो लेकिन भारत ने इसका काउंटर करने के लिए अपना एक अलग जो रूट तैयार किया है उसके बारे में बताऊं तो भारत का जो है, भारत का ये पोर्ट है, यहाँ से जो है भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट बना लिया है। चाबहार के बाद भारत जो है इससे अफगानिस्तान में भी दाखिल हो सकता है। इसके अलावा भारत ने कोलंबो में पोर्ट बनाया है, इससे जो है ये अफ्रीका में भी भारत दाखिल हो सकता है और यहाँ पर हम यूरोप में भी हमारी पहुँच हो सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी जाने के लिए हमारा कोलकाता से पोर्ट, कोलंबो से हम होकर के जा सकते हैं। तो भारत ने भी इसका एक जो है अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है, तो भारत के पास भी इसका पूरा अल्टरनेटिव तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, कैनबरा यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो PM है वो स्कॉट मॉरिसन यहाँ के PM है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया है। हुआ ये है कि पाठ्यक्रम में जो है बच्चों का जो पाठ्यक्रम होता है स्कूल का, उसमें रामायण को पढ़ाया जाएगा। तो ऐसा करने वाला देश सऊदी अरेबिया है। इसका मोटिव ये है कि विश्व के जितने भी धर्म हैं और संस्कृति हैं उनको पढ़ाया जाए, इसी के तहत इसने जो है भारत की महाभारत और रामायण को इसमें शामिल कर लिया है। सऊदी अरब के बारे ये देखिए, रामायण को भी शामिल किया है, महाभारत को भी इसमें शामिल किया है। सऊदी अरेबिया की बात करूँ, ये देखिए सऊदी अरेबिया है, यहाँ की कैपिटल जो है वो रियाद यहाँ की कैपिटल है, और जो यहाँ की करेंसी है वो रियाल है। यहाँ के प्रिंस जो हैं वो सलमान हैं, प्रिंस जो है प्रिंस होते हैं। यहाँ पे एक मरुस्थल है, रबल खाली मरुस्थल, ये जो है सबसे ज़्यादा विश्व का रेतीला मरुस्थल यही है। इसकी बात करूं, यहाँ पर जो मक्का मदीना जो हज की यात्रा होती है, सऊदी अरब में ही लोग जाते हैं हज की यात्रा करने के लिए। इसके बाद अगर मैं देखूं, ये जो पिंक कलर का आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा, कतर। कतर में ही जो है फीफा का 2022 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, वो यहीं पर होने वाला है। सऊदी अरब के बारे में एक बात और बता दूँ, जो 2020 की जो G20 की बैठक हुई थी वो सऊदी अरेबिया में ही हुई थी, लेकिन 2021 की जो बैठक है वो इटली में होने वाली है। इसी के साथ ही साथ जो 2022 की जो G20 की बैठक होगी वो इंडोनेशिया में आयोजित होगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 2023, ये बैठक जो है भारत में आयोजित होने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। तो हरियाणा सरकार ने किया ये है कि 500 करोड़ रुपये का जो है एक फंड बना दिया है। तो इससे जो है जो
कोविड आपातकालीन जो ऋण है इससे चिकित्सा ज़रूरत जो है वो इससे पूरी की जाएंगी, ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा, वेंटिलेटर की कमी पूरी की जाएगी, दवाइयों की कमी पूरी की जाएगी। इससे जो व्यापारी लोन लेना चाहेगा वो इस लोन का जो है ब्याज, एक साल का जो ब्याज है वो हरियाणा सरकार जो है वो इसको वहन करेगी। इसके बाद ये देखिए, ये हरियाणा है, हरियाणा ये आप देख सकते हैं, हरियाणा चारों ओर से, अगर मैं बताऊं आपको, हरियाणा इधर उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान इससे घिरा हुआ है। और ये जो है लैंडलॉक स्टेट है, ये जल के साथ ये जो है सीमा साझा नहीं करता है। कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ है, सीएम यहाँ के मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ हरियाणा में जो है चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है पंचकुला हरियाणा में ही आयोजित होने वाला है। पहला जो यूथ इंडिया गेम्स था वो दिल्ली में हुआ था और दूसरा जो था वो पुणे में हुआ था, लेकिन तीसरा जो 2020 का हुआ है वो गुवाहाटी में हुआ था और महाराष्ट्र इसमें टॉप पे था। लेकिन हरियाणा के बारे में बात करें, यहाँ से जो है 22 जनवरी 2015 को एक योजना स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होती थी, क्योंकि हरियाणा में जो है सबसे कम लिंगानुपात जो है हरियाणा में ही है, इसीलिए यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, अक्सर खबरों में रहने वाला नो बैन एक्ट जो है वो कौन से देश से संबंधित है। होता यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने जो है सऊदी अरब से जो मुस्लिम आने वाले थे उन पर इन्होंने रोक लगा दी थी। तो इससे जो है एक तरीके का धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो राष्ट्रपति की जो ये पावर है इसको कम करने के लिए ये नो बैन एक्ट लाया गया है। इसको प्रतिनिधि सभा ने जो है अमेरिका इसको लाया, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इसको पास भी कर दिया है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति अब जो किसी भी धर्म के आधार पर लोगों को नहीं रोक सकता है, इससे राष्ट्रपति की शक्ति को कम करने के लिए ये लाया गया है, क्योंकि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ये सही भी बात है। ये जो व्यक्ति को रोकने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, इसको कम करता है, प्रतिनिधि सभा ने इसको पास भी कर दिया है। इसमें जो है अब ये जो है इसके अपर सदन में जाएगा। लेकिन अगर इससे पहले मैं जापान की बात करूं, जापान की राजधानी टोक्यो है, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो योशिहिदे सुगा हैं। इसके जो यहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इनको 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। भारत की राजधानी आपको पता ही है नई दिल्ली है। भारत में अभी इस टाइम जो है कोविड-19 बुरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुका है। भारत कोविड-19 के चक्कर में बुरी तरह से इसमें जूझ रहा है। रूस की राजधानी की बात करूं तो मॉस्को यहाँ की राजधानी है, व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला बात करता हूँ, ये देखिए नो बैन एक्ट, नो मुस्लिम बैन, मुस्लिमों को आप बैन मत कीजिए, इस तरह का यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह चलाए गए, तो इसके लिए जो है इसको नो बैन एक्ट को पारित कर दिया गया है। ये देखिए यूएसए की बात करता हूँ, यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका का ये जो है देश है। यूएसए और कनाडा की बात करूँ तो ये जो बॉर्डर है वो 49 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है वो यहाँ से होकर के गुजरती है। यूएसए को जो मेन कंट्री है नॉर्थ अमेरिका के, जो मेन बड़े बड़े कंट्री की बताऊँ तो यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, ये जो है सबसे बड़े इसके कंट्री हैं यहाँ के। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूएसए और जो यूएसए की जो है 5 ग्रेट लेक की बात होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेक सुपीरियर जो है वो ग्रेट सुपीरियर जो ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका है उसमें आती है, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक एरे और लेक ओंटेरियो। एक जो लेक मिशिगन है, मिशिगन जो है पूरी तरह से जो है यूएसए में स्थित है, लेकिन बाकी जो लेक हैं आप रेड कलर का ये बॉर्डर देख सकते होंगे, यहाँ से जो है ये यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं, इसीलिए जो मिशिगन लेक है वो भारत में, वो पूरी तरह से अमेरिका में ही स्थित है। अगला बात करता हूँ, प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। ये जो है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लीजिए किसी भी दिमाग की खोज है, आपने कोई भी कुछ तरीके का आपने दिमाग से अपने खोजा या कोई बुक लिख दी, तो किसी अन्य कोई व्यक्ति जो है उसकी कॉपी ना कर ले, इसके लिए आप जो है इसमें पेटेंट लेते हैं। तो इससे जो है किसी की भी दिमाग की जो उपज है उसकी बौद्धिक जो संपदा है उसका संरक्षण हो सके, इसके लिए जो है बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो किसी के दिमाग की जो उपज होती है उसके लिए। 25 अप्रैल की बात करूँ, इस दिन जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड में अगर सर्वाधिक विश्व जैव विविधता की बात करें तो अमेजन वर्षा वन जो है वो सर्वाधिक विश्व जैव विविधता वहीं पर ही है। 22 अप्रैल को जो है वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक 22 मार्च होता है, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। इसी के अलावा बात कर लेते हैं कुछ
जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, इसके साथ साथ जो क्या क्या दिया जाता है। अगर आप कोई भी नई खोज करते हैं तो आपको जो है पेटेंट आपको मिलता है, तो पेटेंट जो है वो 20 वर्षों के लिए मिलता है, आप ही उसका जो है निर्माण कर सकते हैं। और इसकी के साथ साथ एक जीआई टैग भी दिया जाता है, मान लीजिए किसी भी जगह की जीआई टैग दे दिया जाएगा तो जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो अधिनियम आया था भारत में 1999 में आया था, और भारत में पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग जो चाय है, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग, तो यहाँ को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। इसी के तहत जो है ट्रेडमार्क दिए जाते हैं, कॉपीराइट का भी इसी के तहत दिया जाता है। इसकी थीम की अगर मैं बात करूँ तो थीम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड स्मॉल बिजनेस, ये जो है यहाँ की थीम है। इसी के बाद जो ये देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है, ये जो है 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा मैं बताऊँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स भी अभी जारी हुआ था, इसको USA जो है जारी करता है और USA ही इसमें टॉप पे था। ये देखिए इसने जारी किया, भाई खुद ही टॉप पे हो गया। और भारत का जो स्थान है इसमें 40 नंबर की रैंक है भारत की इसमें। इसके बाद बात करता हूँ अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि हाल ही में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2021 में किस देश की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व कप जो कि ग्वाटेमाला देश में हुआ था, ये नॉर्थ अमेरिका का ही एक देश है, इसमें किसने जो है स्वर्ण पदक जीता, तो भारत की टीम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराया है, भारत ने मैक्सिको को हराया है और तब भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें जो दीपिका कुमारी है भारत की, उन्होंने जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है, काफ़ी अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। इसके अलावा एक जो हाल ही में मैंने बताया था AIBA यूथ जो है बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें जो है वो पोलैंड में हुई थी, तो इसमें जो है भारत इसमें भी भारत टॉप पे रहा था, 8 मेडल जीते थे, 8 में से जो है 7 तो महिलाओं ने जीता और एकमात्र जो है पुरुष ने जीता था। पुरुष जो था उसका नाम सचिन था, उसने एकमात्र जो है मेडल जीता था। तो ये देखिए ये है दीपिका कुमारी, तो AIBA ये जो है इन्होंने इसमें जो आर्चरी जो तीरंदाजी विश्व कप हुआ है उसमें जो है स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।